गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट शगुफ्ता इजहार और मेरे साथ हैं बबलू, बाजे वाले बबलू, और साथ हमारी एक ननी मेहमान हया, बबलू की दोस्त हया अंजुम। अस्सलाम वालेकुम हया। आपको रमजान मुबारक हो बहुत ज्यादा। बबलू आपको भी रमजान मुबारक। आपको भी मीश बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो, रमजान मुबारक हो। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को, और वो तमाम लोग जो पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ मौजूद हैं, सबको रमज़ान मुबारक हो। बरकतों, फजीलतों, इबादतों का महीना आन पहुँचा है, रमज़ान आ गया है, आज पहला रोज़ा है सबका है। ग्रीस वाले बहुत जल्दी खोलने वाले हैं और इंग्लैंड वाले थोड़ा सा वेट करेंगे। जी मीस, उनका ना 2 घंटे का फ़र्क है हमारे साथ ना, तो हम 8:30 बजे के करीब ना हम रोज़ा खोल लेंगे और वो ना बेचारे अभी 2 घंटे इंतजार करेंगे। नो प्रॉब्लम, आपका भी 2 घंटे के बाद में रोज़ा खुल जाएगा और हम आपके साथ में ना जितनी देर भी रहेंगे ना, हम आपको मजे मजे की ना बातें सुनाएंगे, ठीक है ना। वैसे अभी तो रोज़ा है लेकिन फिर भी मैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं बताऊँ, बात करूँ फ्रूट चाट की, गोलगप्पों की, दही बल्लों की, समोसों की, और उसके साथ पुदीने की चटनी की, और हाँ रूह अफ़ज़ा की, या दो सोडे की, या फिर शिकंज बीन की, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बनती है शिकंज बीन। जी मैंने भी मीश रोजा रखा है, और ना आपको पता मेरा ना मेरे पापा कहते हैं एक दाल का रोजा है ना। हाँ अच्छा, यानी आप दूसरी दाल से खा सकते हो। जी मेरे पापा कहते हैं आप अभी बहुत छोटे हो ना, तो अभी एक दाल का रोजा रख लो ना। मैं भी जब बहुत छोटी थी ना, तो मेरे पापा कहते मैं ना सहरी में उठ जाया करती थी। आज आप अपनी मम्मा के साथ सहरी में उठी थी जी। वाओ, हेल्प भी करवाई थी जी। हाँ मैं भी जब आपके जितनी थी ना, तो मैं भी सहरी में उठती थी, फिर मैं देखती थी मामा बाबा दोनों रोजा रखे, फिर मैं कहती थी बाबा प्लीज मुझे भी रोजा रखने, बाबा कहते थे बहुत छोटी हूँ, मैं कहती थी प्लीज आप लोग भी तो रखने, बाबा कहते थे अच्छा ऐसा करो चुपके से फ्रिज में रख दो जी। फिर जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई बबलू आपके जितनी, तो फिर मेरे बाबा ने भी यही कहा ऐसा करो शगुफ्ता आप एक दाड़ का रख लो, सारे दिन खाना लेकिन सिर्फ एक दाड़ से, दूसरी दाड़ से नहीं खाना, दाड़ी दाड़ जो होते हैं एक साइड के। अभी मेरे दोस्त कितने सारे जो है वो सोच रहे होंगे कि एक दाड़ का रोजा कौन जाता है, पता मीस ने बताया ना एक दाड़ का रोजा उन छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है जो रोजा नहीं रख सकते हैं ना, तो उनके पापा या उनके मामा ना एक दाड़ का रोजा रखवा देते हैं। हाँ, मीस आपको पता है ना कि पाकिस्तान में ना कितने मजे मजे के तरीके से वह शहरी में उठाने के लिए लोग आते हैं। शहरी के तरीके मैं बाद में पूछूंगी, पहले बबलू रमजान शुरू हो गया है, नातों का महीना है, अल्लाह ताला का और हज़रत पाक सल्लम के जिक्र का महीना है, तो प्लीज कोई नात, अच्छी सी नात सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आप भी सुनेगी, मैं भी सुनूंगी। मैं ना आपको ना बहुत प्यारी नात पुरानी, जब मैं छोटा नहीं मैं जब बड़ा होता था, थोड़े से बड़े थे, जब मैं बड़ा होता था उस वक्त की नात सुनाता हूं। ठीक है, मैं बहुत सारी वाली नात नहीं सुनाऊंगा, मैं थोड़ी सी सुनाता हूं, मुझे ठीक है थोड़ी आती है, ठीक है सुनाओ। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, वहीं सर झुकाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए।
यही तो आपकी क्वालिटी है बबलू, इतने छोटे से हो माशाल्लाह, फिर भी नाद पर भी अबूर है, नाद भी पढ़ लेते हो, अच्छी बातें करनी हो वो भी फटाफट से तैयार हो जाते हो, पुरानी बातें भी याद करवा देते हो, नई बातें भी याद करवा देते हो। सबसे अच्छी बात हो बबलू आप, ये सबसे अच्छी बात ये ना कि मिस आप जैसी मिस जो है ना वो मुझे ना पढ़ाती है ना, तो इसीलिए तो मैं ना इतना अच्छा अच्छा हूँ ना। थैंक यू, आज हमने एक दूसरे की ही तारीफ करनी है सिर्फ। हाय आज आप क्या बना रही हो? कुछ नहीं, वो प्लीज आपको कोई पेज दे। हया ने पहले ही बैठ कर पेजेस पर इतनी सारी ड्राइंग्स की हैं, पहले ड्राइंग बना ली। चलो आपको ना वो अंकल पेज दे देंगे, नया पेज। क्या बनाएंगे आज? क्या बनाओगी? घड़ी। वॉच। वॉच, ये वाली वॉच बनाएंगी आप? एक बनाओगी दो बनाओगी? एक और दो। दो बनाओगी, एक किसके लिए होगी और एक किसके लिए होगी? कॉलेज की और अगोरी। मैं आपको बता दूंगी ना, हया कह रही है कोरीची की और एक अगोरी की। कोरीची जो होती है वो लड़की होती है और अगोरी जो होता है वो लड़का होता है। दो घड़ियां बनेंगी और अभी एक जो घड़ी बनाएगी हया वो होगी लड़की की और एक जो बनाएगी वो होगी लड़के की। दो घड़ियां बनाएगी। ठीक है, हम इंतजार करें हया, ऐसा ऐसा से आप बनाइए, ठीक है, और हमें फिर दिखाओ। अच्छा बबलू, हम बात कर रहे थे सहरी की और अफ्तारी की। सहरी में आप बता रहे थे जब आप बड़े होते थे तो सहरी में कुछ उठाने के और तरीके होते थे। कॉल आ रहे हैं हमारे साथ, कॉल लेते बबलू, फिर बताना जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? ऑलराइट, या फाइन, हम ठीक है, आप कैसे हैं? या नॉट बैड, जस्ट वांटेड टू से दैट यू गाइस आर डूइंग अ गुड प्रोग्राम एंड आई लाइक द नॉट दैट दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अंकल। और क्या कहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए? बस ये कहना चाह रहा था कि आई थॉट दैट मे बी वो जब नॉट पढ़ेंगे तो शायद तो कोई मजाक ना कर दें, लेकिन ना अंकल, हम हर चीज को अपनी जगह पे रखते हैं। माशाल्लाह, मुझे ये बहुत ही पसंद आई आपकी बात और आपका शो बहुत अच्छा है, पहली बार मैंने देखा है। थैंक यू। एवरी मंडे वी आर हियर 8 to 9 o'clock फ्रॉम ग्रीस टाइम और 6 to 7, आई थिंक 7 to 8 है वहाँ पे इंग्लैंड में। नो दैट्स परफेक्ट, 6 to 7, या और भी पढ़े जी, 6 to 7, बहुत अच्छी लगी हमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हम आपको ऐसे नाते सुनाते रहेंगे जी। शुक्रिया जी। एंड आपने अपना नाम अंकल नहीं बताया? जी मोहम्मद। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा बबलू, सहरी और अफ्तारी की बात हो रही थी, जब आप बड़े थे आपको याद है कुछ सहरी में जगाने के कुछ और तरीके थे? आज से थोड़े से अब तो जदीद तरीके आ गए हैं ना जी, टीवी भी बड़ा इन है हर जगह। जी मीश, जब मैं बड़ा होता था ना, मैं देखता था कि हमारे ना मोहल्ले में से ना वहाँ पे ना एक टोलियाँ गुजरती थी ना। अच्छा। वो ना नाते पढ़ती भी जाती थी और फिर एक टोली आती थी वो ना वो कवालियाँ गा रही होती थी और एक जो होती थी ना उनके पास ना कवाली होती थी ना नाते होती थी, उनके पास एक टीन का डब्बा आता था, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा। और वो कहते थे कि रोजा रखने वालों उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है। जी हाँ, वो फिर भी आ जाते थे, मैं जाग भी जाता था फिर आ जाते थे फिर जाग जाते तो फिर आ जाते थे। तो अब ये सिस्टम है या खत्म हो गया? शायद अभी छोटे इलाकों में ये अभी तो बाकी है। नहीं वो ना लोग डरते हैं ना मी से, पता क्या आप देखे ना आप कराची के अंदर क्या होता है ना। नहीं वो पता क्या कहते होंगे बबलू, वो कहते होंगे तमाम लड़के एक जगह फोन करते होंगे कि भाई यार अपनी जो नकदी मोबाइल और जो घड़ियां है ना प्लीज घर उतार कर आना, हालात बहुत खराब है, पता नहीं है ना कोई चोर डाकू जो है वो हमें लूट ले जी तो जाने से पहले। और अगर बबलू वो कहीं कराची में निकले हुए वो ग्रुप निकला हुआ है जी और शहरी में सब कुछ जाने के लिए, तो वो कहेगा यार हो सके तो छोटी मोटी गन भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख लेना। गन वन नहीं कहते कराची में, कहते कि अपने साथ में टीटी लेके आना। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस टीटी, ये हर बंदा टीटी के चक्कर में। ये टीटी रखना वहां क्यों जरूरी हो गया हर आम आदमी के लिए? मैं ना बहुत, मुझे ना दुख हो रहा है ना, मुझे ना गुस्सा आ रहा है ना, गवर्नर साहब अंकल जो है ना वो इशरत आबाद साहब उन पे भी गुस्सा आ रहा है, जो वजीर आला साहब है उन पे भी गुस्सा आ रहा है, वजीर दाखिला साहब जो अंकल है ना उन पे भी सबको गुस्सा आ रहा है, मुझे गिलानी अंकल पे भी गुस्सा आ रहा है। इतने सारे दिन हो गए कि वहाँ पे कराची के अंदर अमन नहीं हो रहा, आज पहला रोजा है यहाँ पे ग्रीस के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर पहला रोजा है, आज 15 बंदे जो है उनकी जान चली गई है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या होने जा रहा है हमारे पाकिस्तान में? हम तो ये रिक्वेस्ट ही करेंगे कि ये जो है वो अपने गुनाहों को कम करने का महीना है, सवाब हासिल करने का महीना है,
तो प्लीज रमजान का एहतराम कीजिए, कम से कम ये मनफी सरगर्मियां तर्क कर दीजिए इस माह के लिए, हमेशा के लिए प्लीज हमारे मुल्क को छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए ये हर चीज। मेरा दिल चाहता है कि मैं नाराज हो जाऊँ, सबसे नाराज हो जाऊँ। नहीं बबलू प्लीज क्यों नाराज नहीं हो, इधर देखो कैमरे की तरफ देखो। नहीं मैं, ये जो कैमरे वाले लोग हैं ये भी ना प्रोग्राम देखते हैं, सिर्फ बस प्रोग्राम देख के ना चुप हो जाते हैं, कोई बंदा इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। सब आवाज़ उठाएंगे, देखो अभी हम अपने कॉलर से बात करते हैं कि कॉलर आवाज़ उठाएंगे हमारे साथ। क्या बबलू के साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। विनेश टीवी जी? जी विनेश टीवी, आप कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं चौधरी अली अफ़सर, फ्रामकोटली आजाद कश्मीर, अभी बर्मी गांव से। वाह जी, कैसे हैं अंकल, आप क्या कहेंगे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम हमारा? आपका प्रोग्राम आपकी तरह बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आप सबको विनेश टीवी देखने वालों को रमजान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। नाच बढ़िया, बहुत ही प्यारी है। थैंक यू, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा, सब कुछ प्यारे। थैंक यू। क्या आप कोई नाच सुनाना चाहेंगे? नहीं मैं खाली सुनना चाहता हूँ। ओके बबलू को फिर हम कहेंगे कि प्लीज कोई, बबलू को बहुत प्यारी प्यारी नाते आती हैं, एक और भी सुनते हैं बबलू। आई विल ट्राई अगेन अंकल। और आप कैसे वहाँ पे इंग्लैंड में, रोजा कैसा जा रहा है, मजा आ रहा है वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे तो 1920 दर्जा आ रहा था, यहाँ पे देखे यहाँ हम पाकिस्तान की तरह से ना भून रहे हैं, 38-39 दर्जा आ रहे थे यहाँ पे। ओहो अच्छा, ये मैं जो फोन मैंने किया ये पाकिस्तान में? नो नो वी आर इन ग्रीस। आप देखे आपकी स्क्रीन पे वो ना लाइव ग्रीस लिखा होगा, ये ग्रीस से आ रहा है ना प्रोग्राम, जो नंबर आप जिसपे कॉल करते हैं ग्रीस विनेश टीवी के जितने भी। जी और ये के जितने भी विनेश टीवी के प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड से होते हैं ना, तो नंबर जो है वो यूके का ही आता है वहाँ पे। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा और बहुत ही खुशी है, और मैंने नंबर बनाया और फौरन मिल गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। जी थैंक यू अंकल, आपने कॉल किया बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ये रमजान में खिदमत करें लोगों की। थैंक यू, थैंक यू आप लोग, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे स्वीट कॉलर हमारे, थैंक यू अंकल, हमारी दुआ की, हमारा प्रोग्राम पसंद किया, हम आपकी कॉल्स के भी मुंतजिर हैं, हमें बताइए हमारा प्रोग्राम कैसा, हमें थैंक यू सो मच। अभी हम आपको चूंकि नात पसंद आई हमारे देखने वालों को, और उन्हें ये भी कहा कि बबलू दोबारा भी ना सुनाएं, बबलू दोबारा ना सुनाएंगे, लेकिन मैं ये भी बताऊं कि अभी हम लोग अपने नातिया मुकाबला हमारा यहाँ हुआ था बच्चों का, हम उसकी झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे, बच्चों की नातियों की बहुत प्यारी थी, और आप दोबारा सुनेंगे, फ्रेश होंगे, देख के आपको अच्छा लगेगा जब आप तमाम बच्चों को, बबलू के सारे साथी हैं वो। जी वो मेरे दोस्त है ना, यहाँ पे ग्रीस में ना वो नातिया मुकाबला हुआ था ना 2010 में, और मीस आप ही तो थी उस प्रोग्राम में। हाँ मैंने भी होस्ट किया था, मैंने बड़ा एंजॉय किया था आपके साथ में, और वो बच्चों ने ना बहुत प्यारी प्यारी नाते पढ़ी थी ना, बहुत नज़्म ज़ब्त के साथ। मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में अब ये महीना आया इतना मौजूद और इतना मुकद्दस महीना, इसके अंदर ना अब इन्हें ना सबको ना सबर करना चाहिए अपने आप पे, अल्लाह ही इनको सबर देगा, ये क्या करें पूरे पाकिस्तान में, कभी उधर ठुइयां फुइयां छू उधर ठा ठूक लगाई हुई है, यहाँ हमारे दिल को ठा ठू होती रहती है, पता नहीं है कि हम यहाँ पे क्या कैसे वक्त गुजारे, यहाँ पे भी मुश्किल वक्त होता है, आप क्या समझते हैं? बबलू अभी तो आप कह रहे थे प्रोग्राम से पहले मीश मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। जी मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और वहां जाके ना मैं पीली टैक्सी चलाऊंगा। लो जी पीली टैक्सी चलाई, डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, कॉलर हमारे साथ कॉल लेते हैं, बाद में बात करते हैं, बबलू पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलामकुम, रोज आप तार करें, थोड़ी सी बात हमसे भी कीजिए जहाँ फोन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आप नाम बताइए अपना। खालिद गोंदल। जी खालिद गोंदल, कैसे हैं आप, ठीक हैं? प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? जी आपने कहाँ से फोन किया है, आपने कॉल कहाँ से किया है? हमने बबलू से बात करनी है। मैं बबलू बात कर रहा हूँ ना अंकल, आप मुझे बताए ना आपने कौन से कॉल किया है, ग्रीस से कॉल किया, इंग्लैंड से कॉल किया, नॉर्वे से किया, इटली से, कहाँ से कॉल किया है? अलीकांते से। हैं अलीकांते, व्हाट इज इट, अलीकांते से। ये कहाँ पे अंकल? अलीकांते ऐसा मैड्रिड के नजदीक है। हाँ तो कहिए ना कि हम स्पेन से कॉल कर रहे हैं अंकल, मैं स्पेन आऊंगा ना, मैंने आना है ना, आप मुझे स्पेन क्यों नहीं बुलाते हैं?
अरे बबलू को ले जाइए स्पेन के, दिखा लाइए बबलू जी उसको। अस्सलाम वालेकुम, अभी खाली गोंदल बात कर रहा हूँ, पहले मेरा दोस्त था। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये बबलू के साथ ही मजाक हो रहा है। जी आप कैसे हैं? कॉल किए? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। स्पेन से बात कर रहा हूँ, पहले मैंने एक दो दफा आपसे बात हुई है मेरी। जी जी क्या कैसे कैसे हैं आप? ठीक है, रोजा रखा है आज आपने? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और कैसे हैं? और वहाँ पे कैसा है दर्जा हरारत, कैसा है वहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर चल रहा है तकरीबन 90-18 चल रहा है आज। मुझे कर गए हो वो, इधर 38 हुआ पड़ा है यार, इधर पुन दिया मैं छोले थोड़ी देर के बाद पॉपकॉर्न बन जाएंगे और हम खाएंगे बबलू को। अच्छा मौसम चल रहा है, रमजान बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रोजा गुजर रहा है। आपका कैसा बबलू जी गुजर रहा है? पर गर्मी हो रही है ना, यही तो बता रहा हूँ। आप ये कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए? कोई अच्छा सा मैसेज देना। मैं जब भी आपका प्रोग्राम देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस मैं सारे दोस्तों को यही कहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से रहें, अपने रमजान के रोजे पूरे करें और खुश रहें। गुड गुड। अफ्तारी के लिए क्या बनाया है जी आपका? कितने बजे तक रोजा खुलेगा? कितना टाइम है अभी जी? अफ्तारी में कितनी देर है आपके स्पेन में? अफ्तारी तकरीबन 9:30 होगी। अफ्तारी तो अभी तो 7:15 हो रहे हैं। तो तैयारी शुरू हो गई है? क्या क्या बनाना पसंद करेंगे? आज पहला रमजान है कुछ? मैंने बनाया, पहले मैं रेस्टोरेंट पे काम करता था किचन में, तो इधर कहते हैं वो आपको मतलब कुक हो ना, मैं तो काफी खाने आई बनाऊंगा, बिरयानी बनाऊंगा। और वाओ, वाओ, हमारा भी अच्छा, है। स्टार्टर भी तो होता है ना, बिरयानी तो आप रात को खाएंगे जब बनाएंगे, स्टार्टर में क्या बनाएंगे? समोसे पकोड़े? समोसे पकोड़े वो तो बनते ही बनते हैं ना। वाओ थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। अच्छा होता ही है कि पहले 10 रोजों तक हम समोसे भी, पहले हम 3-4 डिशेस बनाते हैं पहले रमजान में। मीस 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 जी फरमाइए फरमाइए, आप बोलिए। नहीं नहीं मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आई। मेरी बात मजे की नहीं थी, आपकी मजे की थी, आप कर लीजिए। आपको पता है ना वो ना शुमालिया में जैसे हालात चल रहे हैं ना, बहुत बार ना उधर भी कैद आया हुआ है ना, तो वहाँ पे लोगों के पास खुराक भी नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है। तो मीश बड़ा ना अजीब सा मैंने एक मैसेज देखा ना, मैं इंटरनेट पे बैठा वहाँ पे मैंने क्या देखा मीश कि ना वहाँ पे, वहाँ भी ना एक अलकायदा की तरह से कोई तंजीम है ना, वो जो अपने आप को ना इस्लामिक वो कहते हैं, वो हम वो है ये है वो है, तो वो ना उन्होंने पता है वहाँ पे पाबंदी की चीज पे लगाई है। अभी किस चीज पे लगाई है? उन्होंने समोसों पे पाबंदी लगा दी है। जो समोसे तो सभी पसंद करते हैं, होगा क्या रमजान का क्या होगा? ये रियलिटी है मीश, ये सचमुच में आपको समोसों पे पाबंदी की कोई खास पता नहीं, वो कहते हैं वो समोसे जो है ना वो याशी वाला खाना है। कॉलर है हमारे साथ, इनसे पूछ लेते हैं क्या समोसे याशी वाला खाना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रोजेदार हैं क्या आप? जी मेरा नाम अजहर इकबाल है और मैं एथन से बोल रहा हूँ। जी अजहर अंकल क्या बात करेंगे, क्या पैगाम देंगे, कैसा लग रहा है आपका प्रोग्राम? आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा है और हम बहुत शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। थैंक यू। रोजा रखा है आज आपने? मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दे इस इमिग्रेशन के बारे में। जी अंकल वो ना ग्रीस रोजा रखा हुआ है इंशाल्लाह और मेरे दोस्तों ने भी रखा हुआ है। जी अल्लाह आपको, थैंक यू मैं ना अभी आपको बात बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच आपके, आपने जो कॉल किया बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के रोजे कबूल करे। इमिग्रेशन के लिए आप ग्रीस टाइम देखिएगा, हमारा प्रोग्राम आता है थर्सडे को शिफ्ट हो गया, सॉरी संडे को हमारा प्रोग्राम शुरू होता है ग्रीस टाइम। आपको अपने हर सवाल का जवाब इमिग्रेशन से मुतालिक और दूसरे जरूर मिलेंगे, आप कॉल कर सकते हैं उस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल ठीक कहा, जो मीस तो बता रही है ना बिल्कुल सही, हमने ना सारे प्रोग्राम जो है ना अंकल हमने अलग अलग चीजों के लिए रखे हुए ना, किसी में बबलू बैठा होता है, किसी में बबली बैठी होती है। आई डोंट नो ये बबली कौन है, ये कहीं कहीं बबली बता, पहले बबली को कंफर्म करो बबली कौन है। मैं आज दोबारा बबलू आपके मुझे बबली निकला है ना, ये कहीं मंगनी शंगनी शादी वादी का चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं मीश ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लिया। नहीं मीश मैं महावरतन कह रहा था, जो हमारी ग्रीस टाइम की जो हमारी वो श्रैया आंटी है ना, श्रैया अस्कर आंटी जो है ना, इतने जबरदस्त तरीके से ना पैंटी लगा देंगे अगर उन्होंने आपको सुन लिया। नहीं मैं पैंटी वैंटी नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करती है, प्यार करती है। अच्छा बबलू पहले मुझे ये बताओ, कॉलर है जी हमारे साथ, मैं वो टैक्सी वाली बात पकड़ना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी एथन से बात कर रहा हूँ, यहीं कपसेली से बात कर रहा हूँ। जी अपना नाम बताइए प्लीज।
मेरा नाम तारिक महमूद है जी। जी तारिक अंकल, आप कैसे हैं? आपने रोजा रखा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, बारह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आप लोगों का प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। क्या खुशी होती है कि हमारे एथन में भी ऐसे प्रोग्राम होने लगे हैं टीवी में। जी आप हमारे प्रोग्राम का बस ये आप देखने वालों की चाहत खलूस मोहब्बत है और आप लोगों की अप्रिसिएशन है। अगर इसी तरह अप्रिशिएट करेंगे यकीन कीजिए हम और प्रोग्राम्स भी लाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे और बहुत सारी यहाँ पर आप तब्दीलियाँ देखेंगे। हफ्तावार जितने भी प्रोग्राम है मैं जब भी मुझे जल्दी मैं काम से आ जाता हूँ मैं जरूर देखता हूँ ये आप लोग। वेरी गुड तारिक अंकल, आप हमारे प्रोग्राम के लिए क्या मैसेज देंगे तारिक अंकल? और उसके बाद यहाँ जितने मुसलमान रहते हैं उनको मेरी तरफ से रमजान मुबारक मुबारक हो। खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच। कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा यही है कि सब लोग मोहब्बत से रहें, खुश रहें और क्या नाम है रमजान का खास तौर पर ख्याल रखें। थैंक यू। बबलू ने बताया है कि स्पेन में जो है, सॉरी बबलू कहाँ, सोमालिया में समोसों के ऊपर बैन लगा दिया गया है, क्या ख्याल है, बैन लग जाना चाहिए समोसों पर? पर मेरा ख्याल है बैन ही लगना चाहिए, ये तो रमजान की पकौड़ी और समोसे खास डिश है। थैंक यू तारिक अंकल, थैंक यू, प्यारी बात के साथ अल्लाह हाफिज़। ओके जी अल्लाह हाफिज़। देखा मी सबको मैं समोसे भी अच्छे लगते हैं पकौड़े भी, और वो मुझे हैरत हो रही है कि उन्होंने सोमाली वैसे भी वहाँ पे ना क्या था। सोमालिया वालों ने कभी खाए हैं समोसे? नहीं, ओरिजिनल वाले खाए हैं। एक्सक्यूज मी मिस, हमने तो वैसे ये तंज में मजाक भी कर दिया साथ में, लेकिन ओ हया ने खड़ी बनाई है, प्लीज देखे मी। अच्छा ये हैंड वॉच बनाई है हाथ में पहनने वाली, माशाल्लाह वेरी गुड। देखे मेरे दोस्त भी सारे देख रहे हैं और हया के दोस्त भी देख रहे हैं। देखकर बताओ कितनी घड़ियां बनाई है, पांच, एक दो और ये भी। अच्छा, एक पापा की बनाई है, पापा बताओ देखकर किस किस की बनाई है? और ये मेरे मामू की और ये आपकी और ये मेरा और ये नाथ और बबलू की कहा है, मेरी कहा है, ये रहा। अच्छा और सॉरी ये वाली मेरी है। और आपने देखा इब्राहिम अंकल के लिए नहीं बनाई? इब्राहिम अंकल के लिए नहीं। ओ क्या आप इब्राहिम अंकल से नाराज हो जी? क्यों? सिर्फ हम दोस्त हैं आपकी। ओ आज हया इब्राहिम अंकल से नाराज, इब्राहिम अंकल से नाराज है। चलो दोस्ती कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। एक मिस कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे? मैंने बबलू से बात करनी है जी। बबलू से बात, पहले आंटी आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है, आपने कहाँ से कॉल किया है? मैंने जिनान से बोल रही हूँ जी। आप आपने जिक्र किया अभी अभी कि मैं बबलू से बात करनी है जी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बात करिए। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आपने अपना नाम नहीं बताया आंटी। मेरा नाम है बबली। Oh my God! लो जी अब तो बबली फेंटी लगाएंगी। Oh my God! अच्छा चची मुची आपका नाम अगर बबली आंटी, नो प्रॉब्लम, आप बबली है तो नो प्रॉब्लम, मैं बबलू हूँ। अच्छा ये बताइए आपने आज रोजा रखा है? हाँ मैंने रोजा रखा है, बस थोड़ी देर में इफ्तार करने वाली हूँ। वेरी गुड, और आपने रोजे में क्या बनाया जल्दी जल्दी बताइए। हाँ मैंने बिरयानी बनाई है। आज तो सब बिरयानी बना रहे हैं, पहला रोजा और, है ना, और शरबत भी बनाया है। ये रोजे में अगर मुंह में पानी आ जाए तो क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते, निगल लेते हैं, गुनाह नहीं होता। मेरे अच्छे मजे मजे की डिशेस क्यों बता रही हैं? थैंक यू सो मच, इतनी मजे मजे की चीज बनाई हुई कहती है मैंने बिरयानी बनाई और क्या बनाया? आपको तो बबलू एक दाल का रोजा था, आप क्यों परेशान हो, आप तो एक दाल से खा सकते थे, रोजा तो मेरा दोनों दालों का रोजा है। हाँ ये बात भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, रोजे इफ्तार करते वक्त ही खाऊंगी ना। माय गॉड मीस, इतना ना मुझे ना अच्छा लग रहा है ना कि लोग बिरयानी बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, खजूरें खाएंगे और क्या कहते हैं, खजूरों का मौसम आ गया। अच्छा खजूर खाने के भी दो तीन तरीके, या तो आप खजूर के अंदर अगर बादाम डालें तो भी बड़ी मजे की लगती है, खजूर के अंदर मलाई डालें, लेकिन मैं सोचती हूँ उन गरीबों के लिए, उन मस्कीनों के लिए जो हमारे पाकिस्तान में है, जो बिल्कुल मतलब बेयारो मददगार हैं, जिनका कोई नहीं है, जलजले से जो बिल्कुल बेचारे अभी तक लाचार हुए हुए हैं, जलजले ने जो तबाही की, फिर सैलाब ने जो तबाही की, और उसके अलावा जो हमारे आजकल महंगाई की पिसी हुई आवाम है, बबलू हम ये जब चीज़ें खुद खा रहे होते हैं तो यकीन करो कभी कभी हलक से नहीं उतरता बबलू।
ये बात आप मीशो की कह रही हैं। हर ख्याल रहता है, रमजान का महीना आ गया है, इबादतों का जहाँ महीना है वहीं गरीबों की हेल्प का भी ये महीना है। उसके लिए मीश ये है ना कि हम ना हमें खाना तो खुद चाहती चाहिए ही। बच्चों ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक की अनाउंसमेंट करेंगे, रोजा इफ्तार कीजिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हेलो मामा, कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मामा, ऐसा ही समझो, ताज़ा जो मिल गया है, ताज़ा मोबाइल एक नया सिम कार्ड है। इसका हसूल इतना आसान है कि ताज़ा मोबाइल ताज़ा की किसी भी शाख से बिल्कुल फ्री हासिल करें। एक हाथ अपने आईडी की फोटोकॉपी दें और उसी वक्त ताज़ा सिम लें। अब मुझे लैंडलाइन या वोडाफोन की ज़रूरत नहीं। 1252 डायल करें और 5 जुबानों में से अपनी पसंदीदा ज़बान का इंतखाब करें और फ़ायदा उठाएं ताज़ा मोबाइल सर्विसेज से। जॉर्जिया के लिए सिर्फ 5 यूरो में 130 मिनट और 10 यूरो में 260 मिनट कॉल करें। और सिर्फ यही नहीं, ताज़ा से ताज़ा पर कॉल करने के लिए 600 मिनट बिल्कुल फ्री। ताज़ा मोबाइल यूनान भर में ताज़ा के तमाम स्टोर्स पर दस्तियाब है। हाथ में इलायची, मुंह में बादाम। ओके मीश, ये मेरा ना शेर है, बड़ा मजे का शेर है, इसमें जरा गौर फरमाइएगा। बार हो रहा है जी। हाथ में इलायची, मुंह में बादाम, ब्रेक के बाद आने के मेरा सलाम। ये बबलू का सलाम था, प्लीज कबूल किया जाए। शायद बबलू ने देख लिया, दस्तरखान हमारा सेट किया है, पकोड़े आ गए हैं, रायता आ गया है और फ्रूट भी आ गया है। बबलू का जो वो रोजा है ना, बेकरार है खुलने के लिए। हाँ मीश, मैं ये बता दूँ ना कि हर हमारे जो यहाँ से प्रोग्राम होते हैं ना, वो हर थर्सडे से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जुमेरात के दिन से हमारे प्रोग्राम जो शुरू होते हैं वो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, और हमारा प्रोग्राम आज जो देख रहे हैं मंडे का, पीर वाले दिन का, 5 प्रोग्राम होते हैं। और हम पांचों प्रोग्राम के दिन आज ऐसे जैसे टाइमिंग्स होंगे ना रोज़ा इफ्तारी के, तो वो हमारे प्रोग्राम के दरमियान में आएंगे सब प्रोग्राम जो हमारे, तो हम सबके साथ मिलकर इफ्तारी करेंगे। इफ्तार का आज पहला रोज़ा, पहला रोज़ा और आज इफ्तार का टाइम। आज हमारी टेबल भी सजी है, 8:38 पर आप अपना रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं ग्रीस में। ग्रीस वाले की दोबारा बताइए प्लीज, दूसरे ना रोजा खोल के बैठ जाना, अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है। ये सिर्फ ग्रीस वालों के लिए, प्लीज स्पेन वाले, दूसरे यूके वाले 2 घंटे पड़े अभी आराम से, ये ना हो फटाफट जाओ जी। मामा जल्दी करो, रोजा खुल गया, बबलू ने खोल लिया। 8:38 का आज टाइम है जी, पहला रमजान पहला रोजा। बबलू प्लीज वो टैक्सी वाली बात में अड़ी हुई, वो क्लियर करो, आप जाके टैक्सी चलाओगे, आपको पता है कुछ कि आप पाकिस्तान में टैक्सी चलाने के लिए भी आपको तालीम मस्त कर दी गई है, कैसे चलाओगे? ये पता नहीं, ये जो जो अंकल है ना, शहबाज अंकल जो है, हाँ? ये शहबाज करे परवाज, ये वाले, ये वो वाले शहबाज अंकल है, शहबाज शरीफ अंकल है ना, इन्होंने ना पता नहीं क्या इन्होंने सोच लिया कि ना जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ उन्हें टैक्सी मिलेगी, अनपढ़ क्या करेंगे अंकल, ये तो मुझे बताए प्लीज। हाँ वो क्या करेंगे, पढ़े लिखे या एक एज का जो है तायुन कर दे, क्योंकि वो जो बेचारे बुजुर्ग हजार टैक्सी चला रहे हैं या ओल्ड जो थोड़े एज मुझे ये बताया, जो कि अनपढ़ लोग होते हैं ना उन्हें संभालना मुश्किल होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें कह देता है बंदा, यार सबर कर यार, तेरे वास्ते और कुछ सोचा हो यार, वो थेगा यार की करें दिया है। तो बबलू लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया गया, अब पहले तालीम मुकम्मल कर लो यहाँ ग्रीस में आराम से, फिर आप जाके टैक्सी चलाना जी। तालीम कैसे मुकम्मल करोगे लेकिन आप? क्या हेलो कॉलर नहीं हमारे साथ? नहीं नहीं हमारे साथ कॉलर है नहीं जी, हमारे साथ कॉलर नहीं है। मुझे ये बताओ तालीम कहाँ मुकम्मल करोगे ग्रीस में? बबलू का ध्यान पूरा जो है वो फ्रूट की तरफ है, बार बार पूछ रही हूँ मैं। नहीं वो पता है क्या, मैं मीश ये बता दूँ जल्दी जल्दी ना, कि जब हम रोजा इफ्तार करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक वक्फा करेंगे ना स्टूडियो में, तो आपको ना हम रिकॉर्डिंग दिखाएंगे जो हमारे 2010 में यहाँ पे नातिया मुकाबला हुआ था, जिसमें बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी नातें पढ़ी थी, उसकी आप ना छोटी सी उसकी ना क्लिप देखेंगे, उसके अंदर नाच शरीफ पर सुनेंगे बच्चों की, और फिर उसके बाद जैसे हम वापस आएंगे फिर हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। 8:38 पे यूनान में ग्रीस में आज रोजा खुलेगा, आप लोग 8:38 पे अल्लाह मियां करे, वो मुझे ना मिस दुआ भी आती है पता है। हाँ हाँ बताओ, वो कौन सी वाली रोजा खोलने वाली इफ्तार करने की, वो कैसे होती है, सुबह वाली कौन सी होती है आप बताओ? वो सुबह वाली होती है, वापस सोमे का दिन नवे तुम इन शहरी रमजान, माशाल्लाह। और
के वक्त? और इफ्तार वाली कौन सी होती है आप बताओ? बोल रही है ना, मेरा इम्तिहान ले रहा है। मुझे मुश्किल वाली आती है ना, ये आसान वाली नहीं आ रही ना। ये तो बड़ी गलत बात है बबलू जी। कैसे होती है वो वाली बता दे प्लीज। मैं क्यों बताऊँ, ये तो आप ही बताओगे। मैं ना फिर वजह से वो जब मैं इफ्तार करने के लिए जाऊंगा ना फिर मैं बताऊंगा। अच्छा फिर मिस ये बताए ना, और जो ये बताए कि रोजा जो है ये 30 रोजे क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों नहीं होते? अब क्या आप 31 रोजे करोगे? जी नहीं, 29 हो सकते हैं या 30 हो सकते हैं, 31 या 32 नहीं होते। ये 29 क्यों होते हैं? 29 क्यों होते हैं? ये तो अब आपको वही बताएंगे जो चांद देखते हैं। हाँ मिस, ये वाकई ना जो रोजे होते हैं ना, एक दफा 29 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग चांद से देख के रोजे रखते हैं ना, तो जो चांद का महीना होता है वो चांद को देख के ना उसके हिसाब से रोजे रखे जाते हैं। और मिस आपको पता है ये जो रोजे होते हैं ना, जो आज जितना टेम्परेचर है ना 38 डिग्री में, ये 33 साल के बाद में भी फिर ऐसे ही होगा। जो ये रोजे है ना एक सर्कल होता है ना जी, अभी शमसी निजाम का, कमरी निजाम का, फिर उसके साथ जमीन काली के एक सर्कल होता है जो वो अपना कंप्लीट करते हैं। अच्छा वो बता रहे हो 33 साल के बाद दोबारा? जी 33 साल के बाद में होता है कि यानी 10 रोज जो है ना हर साल में रोजे जो है वो पीछे चले जाते हैं। अच्छा, और पता है आपको कभी याद होगा 1947 में जैसे सबको मुबारकबाद भी देते हैं कि जो अगस्त का महीना आ गया है, हमारा 14 अगस्त भी आ गया है नजदीक, तो वो जो पहले जो अच्छा मुझे लगता है इफ्तार का टाइम करीब ही आने वाला है, मैं बबलू का वो आयत याद ही करवा दूं। मैं सोची थी शायद बबलू बता दे। नहीं मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आती है, मुझे आती है, मुझे आती है, मुझे आता है, आपको मैं अच्छे बता रहा था। अच्छा मेरा इम्तिहान बच्चों जी, मैं बबलू का इम्तिहान ले रही, बबलू मेरा इम्तिहान ले, आपको नहीं पता? मैं तो सोची थी व्यूज ये ना समझी, हमें वो आयत नहीं पता, मैंने कहा अपनी सफाई तो दूंगा। मेरी मिस को बहुत सारी चीजों का पता था लेकिन सारी चीजों का नहीं पता था, मैं कभी कभी इम्तिहान ले लेता हूँ जी। एक्सक्यूज मी, मैं बताऊंगा दुआ क्या आती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतु व बिकामंतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्के का अफ्तरतु। और जब इफ्तार कर लेते हैं अल्लाह ताला का जरूर शुक्र अदा करते हैं बबलू की, अल्लाह ताला आपका शुक्रिया आपने इतनी नेमतों से नवाजा। पता है मिस, रोजा इफ्तार करने से पहले एक मिनट रह गया, रोजा थोड़ा सा टाइम रह जाता है ना, उसके अंदर जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह ने कितनी दुआएं मांगनी है अल्लाह ताला से जरूर सुनता है। इफ्तार करने से पहले पहले जल्दी जल्दी दुआ मांगनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए। हम प्रोग्राम करने के बाद में सूप पढ़ेंगे सब मिलके नमाज, यहाँ वाले भी स्टूडियो वाले भी। अब आप हया पढ़ोगी ना नमाज? हया भाग के फ्रिज में से अपना रोजा ले आओ, फटाफट रोजा तार करना है। यही हो जाएगा, दे चलते हैं फिर जी। अच्छा हम ना रोजा अफ्तार करें मिस? हाँ जरूर रोजा अफ्तार करेंगे बबलू। अभी हमें पहले प्रोड्यूसर साहब बताएंगे कि टाइम हो गया, टाइम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, और हम तो चूंकि सिर्फ अभी एक चखेंगे तो उसके बाद हम बकायदा जो है वो रोजा अफ्तार का टाइम हो गया है। प्लीज आप लोग भी रोजा अफ्तार कर लें। हम सब पर जिसका है साया, तो रहमत बन कर है आया। हम सब पर जिसका है साया, तो रहमत बन कर है आया। ए प्यारे नबी के दीवानों, मीलाद का मौसम है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना तैन्ना कल कौसर, फसालिली रब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, सदकल्लाहुल अजीम। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगरी बनाओ मक्की मदनी। दीद तेरी हो ईद मेरी, दीद तेरी हो ईद मेरी। दीद करा अपने नवासों के सदके में, अपने नवासों के सदके में।
दुख रे मिटाओ, मक्की मदनी दर पे बुलाओ, मक्की मदनी गुंबद हजरा के साए में, गुंबद हजरा के साए में मुझको सुलाओ, मक्की मदनी मुझको सुलाओ, मक्की मदनी दर पे बुलाओ, मक्की मदनी बरसों से अखियां तरसी हैं, बरसों से अखियां तरसी हैं, जल में दिखाओ मक्की मदनी, जल में दिखाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। कालिया जुल्फां वाला दुखी दिला दा सहारा, कालिया जुल्फां वाला दुखी दिला दा सहारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार हो जिया कोई रब ने बनाया नहीं, यार हो जिया कोई रब ने बनाया नहीं, दीद मेरे नबी दी ए रब दा नजारा, दीद मेरे नबी दी ए रब दा नजारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा, कहंदी ए हलीमा मुख वे खलज पालदा, कहंदी ए हलीमा मुख वे खलज पालदा, लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा, लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा, चौदवी दा चन नाले अरशां दा तारा, चौदवी दा चंद नाले अरशां दा तारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा, तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी वी होसै हलीमा, मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी वी होसै, ते सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तक दी ते रहिए चुमेंदी वी होसै, ते सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तक दी ते रहिए चुमेंदी वी होसै, ए उंगली ना पाके तवेड़े दे अंदर, खुदा दे सजन नू टुरे दी वी होसै, ए उंगली ना पाके तवेड़े दे अंदर, खुदा दे सजन नू टुरे दी वी होसै, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी वी होसै, नुआ के सजा के ते गजला वी पाके, ते ठोडी हला के हसेंदी वी होसै, नुआ के सजा के ते गजला वी पाके, ते ठोडी हला के हसेंदी वी होसै, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूले मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह।
सब महफिल सजाइया ने सरकार रास्ते अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद कुर्बान जाऊं या नबी तेरे मुकाम पर पकौड़ों के साथ इंसाफ भी नहीं किया था और प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया। मैं प्रोग्राम के बाद खाऊंगी बाकी अगर बबलू खाने देगा तो। नहीं क्यों नहीं मिस, हम सब मिलके फिर खाएंगे। हमने तो अभी अब दूसरे वालों को बताना था ना। हाँ? नहीं मेरा मतलब अब बताना है ना, अभी जो बेचारे रोजा इफ्तार कर रहे नहीं कर रहे ना, उनको तो नहीं ये चीज दिखानी थी ना, फिर भी मेरे को चलो दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। मुझे याद रहेगा अभी थोड़ी देर के बाद में रोजा इफ्तार करना है उन्होंने। चले ठीक है बबलू, मैं कह रही थी कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करो फिर पाकिस्तान जाओ, टैक्सी चलाओ। तालीम मुकम्मल करो ये मुझे बताओ, मैं नीपियो में जाऊँ प्रोनीपियो में जाऊँ? नहीं नहीं पाकिस्तानी स्कूल। उर्दू, उर्दू मुझे कौन सिखाएगा मुझे ये बताया प्लीज प्लीज, प्लीज। उर्दू आपको दाचीवर सिखाएगा। और मुझे अरबी कौन सिखाएगा प्लीज, प्लीज। अरबी भी आपको दाचीवर सिखाएगा। अगर ये दी अचीवर सिखाएगा कब सिखाएगा, कब आएगा? आपको फ्रेंच भी सिखाएगा। अचीवर जल्दी आ रहा है, दाचीवर हमारा स्कूल जल्दी आ रहा है ग्रीस में। हाँ ये ताली सामने अभी ये देखे, हमें ये तोता दिखा दिया, पता नहीं कब उड़ेगा। नहीं वो ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं, वो हकीकत में बात कर रहे हैं। मैंने तोता इसलिए कहा, मैंने सबज बाग नहीं कहा, मैंने सबज तोता बना दिया ना। कभी कभी बबलू भी ऐसी बात कर जाता है कि मेरा दिल चाहता है कि ताली बजाओ। जी थैंक यू मीस। और मीस मुझे ये बताया ना, वो जो अदी अचीवर्स आने वाला है ना यहाँ पे, तो अदी अचीवर जो है ना पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वो एक ऐसा अच्छा बेहतरीन स्कूल जो होगा ना वो होगा कि ना उसके अंदर ना पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो है पाकिस्तानी तालीम भी हासिल करेंगे, यानी उर्दू और मगरबी तालीम भी हासिल करेंगे, और यहाँ की ग्रीक जो वो है तालीम वो भी हासिल करेंगे। तो वो भी सेटअप बना रहे हैं और उन्होंने यहाँ की कमेटी जो है वो उन्होंने अभी अनाउंस भी करनी है कि उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, मशावरती कौंसिल कौन सी होगी, कैसे लोग जो है उसके वो देंगे ना मशवरे देंगे। अच्छा बबलू मैं कॉलर, हमारे साथ कॉलर ले लेते हैं फिर मैं आपसे नाच सुनूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक हो आपको, पहला रोजा इफ्तार हो गया आपका? जी जी अभी नहीं हुआ है, अभी एक घंटा रहता है। अरे आप तो ग्रीस से बाहर से कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऐसे पूछ लिया करेंगे कि जिसका रोजा इफ्तार हुआ और जिसका नहीं हुआ। अच्छा आपने कहां से अंकल फोन किया है, आपका नाम क्या है? जी मैं नवाज बात कर रहा हूँ, नवाज गुजर जर्मन से। कैसा है वहाँ पे जर्मनी का मौसम, वहाँ पे गर्मी हो रही होगी, 40-45 दर्जा हरारत होगा ना? नहीं यहाँ तो बहुत ठंडक है, हम तो अभी भी जनाब वो जैकेट पहनी हुई है। साढ़े नसीबा में जी थे क्या है यार, हमको ऐसे लगा जैसे कड़ाई के अंदर किसी ने चने डाल के चने घुमा दिए। 38 दर्जा रहता आज तो, रोजे ने भी बता दिया कि बल्ले बल्ले अभी तो पहला हूँ, फिर अभी 29 भी हूँ। आप पूछो कॉलेज से कि फिर उनका क्या हाल होता है जो 12-12 घंटे लग रहे हो यार। थैंक यू अंकल, आप भी बहुत अच्छे हैं, आपने कॉल किया, आपको मैसेज देंगे हमारे प्रोग्राम के लिए। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और आपकी कैब बहुत मुझे अच्छी लग रही है। आप ले ले प्लीज, आप ले ले प्लीज कैब, मैं वैसे भी चाहती हूं बबलू कैब चेंज कर ले। आपने अफ्तारी में क्या क्या खाया बबलू, आप नहीं बताएंगे? मैं बताऊंगा, मैंने पकौड़े खाया, मैंने तरबूज खाया, मैंने खरबूजा खाया, मैंने कुर्बानी खाई है, और अभी मेरे पास जो पड़ा है ना वो कहते हैं क्या कहते हैं वो आड़ू, वो अभी मैंने नहीं खाया, वो आप अभी कॉल बंद करेंगे ना तो मैंने अभी हमला करना है उसके ऊपर। अच्छा नहीं यार वो मेरे लिए अफ्तारी के लिए रख दो ना। ओ माय गॉड, ये भी तो प्रॉब्लम होती है मिस, जो प्रदेश के अंदर जो बेचारे वो अकेले अकेले रह रहे होते हैं ना, उनको अफ्तारी कौन बना के देता है, बेचारे खुद ही बनाते हैं, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती कोई है। कोई बात नहीं, जब पकौड़े बनाएंगे तो अम्मा की याद आएगी, अम्मा गर्मी में सर्दी में कैसे सहरी और अफ्तारी बनाती है। आपको कैसा लग रहा है अंकल? 7-8 साल हो गए हैं इधर प्रदेश में, मैं तो अभी तक वापस नहीं गया यार। अल्लाह मियां आपको ना जल्दी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स बना दे, जैसे आप जाना चाहते हैं अपने घर वालों से जाके मिले, और बहुत खुशी आपने कॉल किया, क्या मैसेज देंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं इधर ग्रीस में
5 साल रह के आया हूँ। बोले ओए कालिश पेरा फिले ती कालिश ओला कला भरा इसी पोस्ट भाई ब्रावो ब्रावो कलाई में फिले बोली कलाई यहाँ में। तो रिश्तेदारियाँ निकल आई हैं, मैं क्या करूँ अभी। थैंक यू नवाज अंकल, आपने कॉल किया। हमारे कॉल का टाइम जो है बहुत शॉर्ट सा रह गया क्योंकि चलो आप लोग फटाफट नाच सुना दो इससे पहले कि प्रोग्राम हमारा एंड की तरफ जा रहा है खत्म हो। मैं मी सब नाच सुनाओ फिर एक अच्छी सी नाच प्लीज सुनाओ ना सबके। मैं अभी मैंने ना अभी वो क्या कहते हैं बड़े नाथ खान और बड़े जो गुलूकार होते हैं उनकी तरह से जी मैं अभी मेरा जरा गला ठीक अभी तो पकौड़े खाने का पहला ही दिन था गला भी से 10वें रोजे के बाद कहना मेरा गला आज तो मैं ना सच्ची मुझे नाच पढ़ने के लिए तैयार होकर नहीं आया था। मैं अगली दफा मीस बहुत सारी तैयारी करके आऊंगा। एक तो बबलू का नखरा नहीं जाता, मैंने किसी दिन इतने डंडे लगाने ना सारा नखरा बिल्कुल उड़न छू। अच्छा चलिए फिर मैं जाते जाते ना मैं शेर वो कहना दुरूद पाक का एक पहला शेर सुना देता हूँ। चलो प्लीज वेरी गुड। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे मिस्टर नायक कितना अच्छा लगा आपको बताया। बहुत अच्छा लगा, रमजान का जो है वो मजा आ गया। आज पहला रमजान था, हमने खोला रोजा बहुत इंजॉय किया। प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल इख्तिताम के मराहिल में है। ये मैसेज दूंगी कि प्लीज कुरान पाक को जरूर रीड कीजिए, ट्रांसलेशन के साथ कीजिए और अपने दुनिया में आने का मकसद अपने ऊपर वाजे कीजिए। एक अच्छे रमजान के साथ, एक अच्छे हफ्ते के साथ मुझे बबलू को और हया अंजुम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।